हेलो दोस्तों, आपके मन में डर तो बना ही होगा। कल यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आने वाला है 2 बजे, तो आपके मन में होगा कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल। अब मैं आपको बताता हूँ क्लास 10 और 12 में मिलाकर कितने लोग फेल हुए। तो आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इंटरमीडिएट में 75% बच्चे पास हुए हैं, वहीं हाई स्कूल परीक्षा में 89.78% पास हुए हैं। कहने का मतलब क्लास 12 में 75.52% बच्चे पास हुए हैं, वहीं क्लास 10 के बच्चे 89.78% बच्चे पास हुए हैं। वहीं दोनों कक्षाओं को मिलाकर लगभग 9 लाख स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गए हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो कुल उपस्थिति उम्मीदवारों की 2.92 लाख स्टूडेंट यूपी बोर्ड परीक्षा में परीक्षा पास नहीं कर सकते। वहीं 12वीं में यह संख्या 6.29 लाख बनी है। अब आपके मन में होगा कहीं आप भी तो नहीं फेल हो गए, तो कल आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, upmsp.in पर या upnic.in पर, दोनों वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। और आई होप आपका रिजल्ट अच्छा होगा। और याद रखें, स्टूडेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि एक या एक से अधिक परीक्षाओं में असफल होने वाले छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा को में बैठने का मौका दिया जाएगा। यूपी बोर्ड रिजल्ट एक या दो विषयों में फेल होने वाले छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं।